हरियाणा में कई जगह पर सब्जी विक्रेता के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि सब्जी विक्रेता बेपरवाह होकर दिल्ली से सटे एरिया से फ्रूट लेकर कई जिलों में सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंद्री में देखने को मिला है। एक कैंटर इंद्री सब्जी मंडी में मंगलवार को तीन जिलों के नाके पार कर बिना परमिशन के एक फ्रूट का कैंटर पहुंचा। कैंटर के पहुंचने की सूचना मिलते ही सब्जी मंडी में तैनात ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजीव ने पहुंचते ही गाड़ी को कब्जे में ले लिया। सोनीपत जिले से फ्रूट आने की सूचना मिलते ही मंडी में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 2 बजे एक फ्रूट का कैंटर सब्जी मंडी में आया। जैसे ही प्रशासन को इसकी भनक लगी तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजीव कुमार मौके पर पहुंचे और फ्रूट उतरने नहीं दिया। जांच करने पर पता चला कि कैंटर चालक फ्रूट को लेकर आया है, जबकि सोनीपत भी रेड जोन में है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रशासन ने इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी? आखिर नेशनल हाईवे पर लगे नाकों को पार करता हुआ यह कैंटर इंद्री की सब्जी मंडी तक कैसे पहुंच गया? गौरतलब है कि सोनीपत जिला रेड जोन में है। ऐसे में स्थानीय सब्जी मंडी में फ्रूट आना प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। इसके अलावा यदि दिल्ली से आया फ्रूट संक्रमित है तो जिले में कितने कोरोना संक्रमित मरीज होंगे यह कह पाना मुश्किल है। मतलब साफ है कि जिले में हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम है? संदीप यादव। कहाँ से लेके आए? केड़ा ही नाथूपुर। कहाँ पड़ता है नाथूपुर? ये कुंडली के पास में नाथूपुर। हाँ, कुंडली के पास में नाथूपुर। अच्छा, तो परमिशन है आपके पास? हाँ जी, परमिशन तो हमारा जो है कि एक स्टोर का दे रखा है, एक हमारा मैनेजर स्टोर का दे रहा है। ये जो गाड़ी आप लेके आए हो इसका परमिशन है क्या आपके पास? भाई यहाँ पर हरियाणा के मंडी में लेके जाओ, इसे है परमिशन? हरियाणा का तो नहीं परमिशन। आप कैसे आए, कहाँ वाया कहाँ कहाँ से आए आप उतरे हुए? हम तो सीधा मेन रोड से आए हैं भाई। रोके नहीं आपको किसी ने? कब से लेके आ रहे हो इंद्री मंडी में से? अब तो शुरू ये तो गाड़ी 2 साल से चली है। 2 साल से आ रहे हो लगातार? डेली आते हो या एक दो दिन छोड़? डेली आते हैं। तो कितने लोग हो तुम? हाँ जी, 2 लोग हो। हाँ, तो दिल्ली के अंदर भी जाते हो लेके गाड़ी? नहीं, दिल्ली के अंदर नहीं जाते। तो गाड़ी की परमिशन तो दिल्ली की है? हाँ, तो पहले ये दिल्ली में चलती थी, फिर अब हरियाणा में काम पे रहती थी। बिना परमिशन के लेके आ रहे हो ना? हाँ जी, बिना परमिशन के लेके आ रहे हो इसे? मतलब सर परमिशन तो ली प्रशासन से या किसी तरह सरकार से, कहीं से परमिशन तो ली आपने? ये कि मेरे को कागज स्टोर से मिला हुआ था पहले। पहले मिला था? हाँ। इन्हें दिखा क्या? पढ़कर सुना इन्हें क्या? क्या इसमें क्या लिखा हुआ? हाँ, पढ़े भी जानते तो। सोनीपत। तो पता है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपको? कौन सा जिला है ये? तो करनाल में पड़ता है। करनाल में पड़ता है? फिर और कहाँ कहाँ लेके जाते हो बालिये? यहाँ से करनाल इंद्री लाडवा जाते हैं। लाडवा भी जाता है? तो लाडवा डाल के आ गए थे? लाडवा डाला है। क्या नाम बताया अपना? संदीप यादव। मैं संजीव SDO सब्जी मंडी इंद्री में एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त हूँ। जैसा कि रात को हम 2 बजे के आसपास सब्जी मंडी इंद्री में आए, हमने पाया एक दिल्ली नंबर ट्रक इंद्री में केले लेके आया है। हमने इस ट्रक को बिल्कुल एकांत में खड़ा कर दिया और इसे एक भी क्रेट केले की मंडी में सप्लाई होने से मना कर दिया। बस इस कोरोना जैसी महामारी में स्टेट बिल्कुल बैन है। ये सोनीपत एक रेड जोन में आता है। ये गाड़ी जैसा कि इस ड्राइवर ने बताया है, ये नाथपुर सबोली से आई है जो कि सोनीपत में पड़ता है। रेड जोन होने के कारण ये करनाल में और आगे लाडवा भी गया था। ये होने की वजह से ये बिल्कुल एक खतरे की पहचान है, इसलिए हमने इस ट्रक को यहीं रोक दिया और मंडी में सप्लाई होने से बिल्कुल बंद कर दिया इसको। मैंने इस संबंध में SDM इंद्री से बात की है और उन्होंने भी इस संदर्भ में ज्ञान लेते हुए इसके लेके सप्लाई करने से मना कर दिया है।
संबंधित अधिकारी से मीटिंग करके बैठ करके और पुलिस प्रशासन से मिलकर इसके विरुद्ध जो भी अपना संभव होगा करते हैं इसके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.